धर्मशाला का ये युद्ध स्मारक सिर्फ एक घूमने की जगह नहीं है, बल्कि हमें याद दिलाता है उस युद्ध की जो 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था, जिसमें हमारे भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया और हराने के साथ में उसे सबक भी सिखाया, जिससे वो दोबारा अपनी बुरी नज़र हमारी धरती पर ना डाल सके। और सिर्फ पाकिस्तान ही क्यों, ये उन सभी के लिए सबक है जो कि अपने आप में सुधार ना करके दूसरों पर बुरी नज़र डालते हैं। इस युद्ध में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के 450 टैंकों को या तो डिस्ट्रॉय कर दिया या फिर इस तरह से अपने पास जब्त करके रखा हुआ है। ये है M-47 टैंक जो कि पाकिस्तान को आज भी उसकी हार की याद दिलाता रहता है। 1965 और 1971 के युद्ध में लाइट फाइटर जीनेट ने अहम भूमिका निभाई है और ये आपको मिलेंगे धर्मशाला के वार मेमोरियल में, जिसका टूर हम आज आपको कराने वाले हैं। जब आप एंट्री करते हैं तो लेफ्ट साइड में आपको टैंक, तोपे और घोड़े पर सवार जनरल जोरावर सिंह जी की मूर्ति नज़र आएगी और इसी के पास ही टिकट काउंटर बना हुआ है। यहाँ का एंट्री टिकट 20 रुपीज़ पर पर्सन है। इसके अंदर एक चिल्ड्रन पार्क भी बना हुआ है जिसे आपको आगे शो करेंगे। अब इसके राइट साइड में कार पार्किंग बनी हुई है और कुछ फूड स्टॉल्स भी हैं। 40 से 45 मिनट में आप पूरा वार मेमोरियल बहुत आराम से घूम सकते हैं। ये इसका दूसरा एंट्री गेट है जहाँ से आपको टिकट लेने के बाद ही अंदर एंट्री मिलेगी। अब यहाँ से हम अंदर जाते हैं और इस जगह खड़े होकर अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा वॉर मेमोरियल नज़र आएगा। सामने देखिए हमारे भारत का नक्शा बना हुआ है और जब आप सामने सीढ़ियों से चलते हुए ऊपर की साइड आते हैं तो आपको नज़र आएगा सामने शहीद स्मारक, जो कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शांता कुमार जी द्वारा समर्पित है। यहाँ पर 3 बोर्ड लगाए गए हैं जो कि सामने से हमें 2 ब्लैक कलर के बोर्ड नज़र आते हैं और एक पीछे की साइड है और इन पर सुनहरे अक्षरों से हमारे शहीदों के नाम लिखे गए हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर ये बहुत ही सुंदर सा फाउंटेन बनाया गया है। यहाँ पर बैठने की जगह भी है जहाँ आप कुछ देर के लिए अपना समय बिता सकते हैं बैठकर। और पीछे की साइड में हिल एरिया है, बहुत ही शांत जगह पर ये वार मेमोरियल बनाया गया है। और ये शहीद स्मारक वार मेमोरियल के बिल्कुल बीच में बनाया गया है और इस पर लगे हुए ब्लैक कलर के बोर्ड 60 डिग्री एंगल पर लगाए हुए हैं जो कि सामने से देखने पर हमें 2 नज़र आते हैं। अब यहाँ से आगे चलने पर आप देखेंगे अमर जवान ज्योति। अब फिर से एक बार आगे का दृश्य शहीद स्मारक का और उसके बाद हम जा रहे हैं बाहर की साइड। अब सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए मैं आपको दिखाती हूँ भारत का नक्शा जो कि हमने सामने से देखा था। ये नक्शा बहुत ही बड़ा बना हुआ है और इसे बनाने के लिए पत्थरों का यूज़ किया हुआ है और इसमें राज्यों को दिखाने के लिए अलग अलग रंग के पत्थर यूज़ किए गए हैं। यहाँ से सीधे चलते हुए हम जा रहे हैं चिल्ड्रन पार्क की तरफ। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रिज बनाया हुआ है बच्चों के लिए और ये सामने के आसपास का व्यू है और यहाँ सामने ऑफिस बनाया गया है। ऊपर हिल एरिया है पूरा और अब साथ में ही आके ये आ गया हमारा चिल्ड्रन पार्क और इसी के साथ ही सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है। यहाँ पर वाटर कूलर भी लगा हुआ है और अंदर बच्चों के खेलने के लिए झूले लगाए गए हैं। तो फ्रेंड्स, बच्चे तो हो गए हैं खेलने में बिज़ी। आप ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो बने रहे हमारे चैनल इंजॉय लाइफ विद अक्षत एंड यक्ष पर। फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारा वार मेमोरियल का टूर आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। कोई क्वेश्चन हो, कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाइएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक नए टूर के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और घूमते रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।